इस साल नीट में हुई कथित धांधली का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब कुछ पीड़ितों ने न्याय की आस में देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सवाल है कि क्या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट दुरुस्त तरीके से हुए हैं? नीट के रिजल्ट आए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन छात्रों में भ्रम आज भी बरकरार है। लाखों छात्रों को समझ नहीं आ रहा कि वह NTA ने जो नतीजे घोषित किए हैं उन्हें आखिरी मान ले या फिर से एक बार परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। बता दें, नीट परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कथित गड़बड़ियों को लेकर फिर से परीक्षा कराने की मांग की गई है। वहीं नीट UG परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने अपनी दलील रखी है कि इस साल प्रश्न पत्र आसान दे दिया गया था और ज्यादा परीक्षार्थियों के परीक्षा में अपीयर होने के कारण इस तरह के बड़े रिजल्ट सामने आए हैं, जिससे बहुत सारे लोग टॉप कर गए हैं और यह सब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इस साल 67 यानी 67 छात्रों ने 100 टॉप किया है। इन छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले। आज तक कभी भी इतनी संख्या में एक साथ छात्र टॉपर नहीं हुए हैं। वहीं 2021 में 3 छात्र ने टॉप किया था। आमतौर पर 1 या 2 छात्र टॉप कर पाते हैं, यानी नंबर 1 की रैंक को शेयर करते हैं। अमूमन ऐसे 1, 2 या अधिकतम 3 छात्र होते हैं, लेकिन इस बार 67 छात्रों ने एक साथ टॉप किया है। वहीं इस बार फिजिक्स के पेपर में इतनी बड़ी चूक देखने को मिली है कि एक ही सवाल के 2-2 सही जवाब दिए गए थे और दोनों तरह के जवाबों को NTA ने सही माना और इस कारण से एक सवाल के सही होने के कारण 44 टॉपर बढ़ गए। आपको बता दें, NCERT की नई किताब के मुताबिक जो जवाब छात्रों ने दिया था वह गलत था, लेकिन पिछले साल की NCERT की किताब के संस्करण में उसी जवाब को सही माना गया। आंसर के उस सवाल जवाब को चुनौती दी गई जिसमें 10,000 छात्रों ने चुनौती दी थी। वहीं NTA इस चुनौती के आगे झुक गया और उसने उन छात्रों को भी पूरे नंबर दिया जिन्होंने ऑप्शन 4 चुना था। वहीं इस एग्जाम में मल्टीपल चॉइस आंसर होते हैं, यानी MCQs होते हैं, लेकिन क्या इसी एक कारण से टॉपर इतने हो गए? वहीं आपको बता दें, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि पहले नीट परीक्षा पेपर लीक हुआ था और अब छात्रों का आरोप है कि इसके रिजल्ट में भी स्कैम हुआ है। एक ही सेंटर में 6 छात्रों ने 720 में से 720 अंक मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और कई तरह के अनियमितताओं की बातें भी सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर रिजल्ट आने के बाद देश भर में कई बच्चों ने आत्महत्या करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। यह बहुत दुखद है और झकझोर देने वाला है। सरकार लाखों छात्रों की आवाज़ को अनसुना क्यों कर रही है? छात्राओं को नीट परीक्षा के परिणाम में धांधली के वाजिब सवालों के जवाब चाहिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह जाँच कराकर इन वाजिब शिकायतों का निराकरण करे? खबरी चौखट की रिपोर्ट।